1, 2, 3. सो बेसिकली दिस इज बुद्धिस्ट केव और यहाँ पे मोंका के अपना ध्यान लगा देते. हाँ बापरे, महाराष्ट्र में कुछ केव्स है जिनको आद्य केव्स बोलते हैं, आद्य लेनी बोलते हैं. द स्तूपा दैट यू आर गोइंग टू सी नाउ इज वन ऑफ अ काइंड. Hello everyone and good morning. By the look of it, it doesn't look like a morning, but still 10 minutes to go. 12 बजने के लिए अभी 10 मिनट बाकी है, hence good morning. और बहुत ही बेकार धूप है, हालत एकदम ख़राब है. And as you can see, I have taken a break here. This is Barwie Dam, but this is not the Barwie Dam that you are aware of. Barwie Dam के rainy season के photos and videos Instagram पे ज़्यादा famous है. And this Barwie Dam is totally deserted. ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे. वहाँ पे कुछ लोगों ने बाइक पार्क किया है और वो पानी में एंजॉय कर रहे हैं. और आज हम आए हैं सोटू के साथ. आई हैव पार्क्ड सोटू देयर. दिस इज़ रेनो क्विड ऑटोमेटिक क्लाइंबर वर्जन. बाय द वे, दीज आर द बारवी डैम डोर्स. और रेनी सीजन में यहाँ पे पूरा वाटर फ्लो रहता है. मार्च में ये हालत है, मई में क्या होगा पता नहीं. बट एनीवेज, the plan for today is we will be going to Tulsa Buddhist Caves. I am already late. सुबह कम से कम 9 बजे निकलने का प्लान था, but today is our festival गुड़ी पड़वा, तो थोड़ा लेट हो गया. But let's see. अभी भी बता रहा है कि ऑलमोस्ट 3 घंटे लगेंगे यहाँ से. सो 12:03 मतलब अराउंड 2 or 3 o'clock तक मैं वहाँ पर पहुँचूँगा. आई एम अ सोलो ड्राइवर और राइडर, बेसिकली अ सोलो ट्रैवलर. और आज मैं आया हूँ सोटू को लेके, एंड दिस इज़ माई वाइफ्स कार. सोचा कि इसका फर्स्ट सर्विस है तो उसके पहले थोड़ा 200-300 किलोमीटर का ड्राइव हो जाएगा, तो बेटर आइडिया रहेगा कि वेयर आर द प्रॉब्लम्स. वी हैव नेम्ड हर एज सोटू. इसके पीछे भी एक कहानी है, प्रॉब्ली आई विल लेट यू नो लेटर इन सम अदर वीडियोस, बट राइट नाउ इट्स टाइम टू मूव. चालू होने वाला है घाट रास्ता. ऑटोमेटिक गाड़ी क्या करती है चढ़ान पे एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, आई एम स्टिल गेटिंग टू लर्न. क्लाइंबर वर्जन डज नॉट हैव द मैनुअल मोड, सो उसके वजह से आई कैन नॉट शिफ्ट इट टू मैनुअल. 1000cc का इंजन है, इट डज द जॉब प्रीटी वेल. ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, बारिश में एकदम ब्यूटीफुल रहता है. ये जो पूरे सूखे हुए झाड़ है वो पूरे ग्रीन रहते हैं, और यहाँ पे आना मतलब ज़बरदस्त लगता है एकदम. दिस इज़ ए काइंड ऑफ अ पिकनिक स्पॉट फॉर पीपल ऑफ मुंबई, नवी मुंबई एंड ठाणे. यहाँ पे ड्राइव करना भी बहुत ही अच्छा लगता है, सिर्फ इतना ही है कि ऐसे रोड से ख़राब. सो वी हैव टेकन अ ब्रेक अगेन. आई जस्ट हैड नींबू पानी, 2 glass पीना पड़ा. इतना गर्म हो रहा है. एंड करेंटली आई एम क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयरकेसेस बिकॉज आई एम एट दिस प्लेस. दिस इज़ मार्शेज घाट व्यू पॉइंट. और ये कितना सुपर्ब लग रहा है धूप में भी. यू हैव ऑल दिस टपरीज, स्नैक्स कॉर्नर्स हेयर. लोग यहाँ पे रुकते हैं, नींबू पानी, ककड़ी, कॉर्न, ये सब ऑप्शन अवेलेबल है. सह्याद्री इज सो ब्यूटिफुल इवन इन समर. रांगड़ा सह्याद्री है अपना. बारिश में तो दिस इज़ हेवन. इफ़ यू सर्च मार्शेज घाट इन रेन ऑन यूट्यूब, यू विल गेट अ लॉट ऑफ वीडियोस. और ये पूरा बादल से कवर होता है, पूरा ग्रीन रहता है. इट लुक्स एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग. बट एनीवेज, वी आर लेट. अभी तो बजे है अराउंड 1:30, हमें तो निकलना पड़ेगा. स्टिल अ लॉट ऑफ डिस्टेंस टू बी कवर्ड. आई गेस 3 तो बजेगा वहाँ पहुँचने के लिए, फिर 1.5 घंटा वहाँ पे, मतलब रात में आने के वादे है. और एक तो ये सोटू के हेडलाइट्स एकदम इनक्रेडिबल, कुछ नहीं दिखता है. ओके, सो सोटू नीड्स अ ब्रेक, सो दैट्स व्हाई आई हैव स्टॉप्ड. बट एक्चुअल रीजन इज आई विल बी हैविंग पिटला बकरी ओवर हियर. आई नीड टू वेट फॉर 10 minutes और सो, बिकॉज वो वहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आएगा, देन आई विल हैव इट. इन द मीन टाइम दिस इज द व्यू.
By the way, this is Zunna district, and there was a point I did not stop. I just wanted to cover the distance, but फिर ये देखा पिटला बकरी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया. पिटला बकरी इज़ माई फेवरेट, और किधर भी हो, महाराष्ट्र के किसी भी कोने में हो, पिटला बकरी अगर रहेगा तो आई बेसिकली प्रीफर हैविंग द पिटला बकरी. आता क्या करावा समझत नहीं है. नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज आई एम फीलिंग स्लीपी. दो बड़ा भाकरी और पिठला, प्याज अचार और छास, अमेजिंग. वेन एवर यू ट्रैवल, इफ यू गेट पिठला भाकरी, स्पेशली इन महाराष्ट्र, दैट्स इनफ, एटलीस्ट फॉर मी दैट्स इनफ. जबरदस्त, आई एम अ फैन ऑफ पिठला भाकरी. और अभी जस्ट अनप्लान ट्रिप में अगर पिठला भाकरी मिले तो दैट इज ऑसम. चलो अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं. इट्स 20 मिनट्स जर्नी, वहाँ पे शायद ज़्यादा रुकने नहीं मिलेगा, बट लेट्स सी, देखते हैं. ओके, सो दीज आर द केव्स एंड दिस इज द स्मॉल रोड दैट लीड्स देयर. रास्ता ठीक है. सो व्हाइल गोइंग टू शिवनेरी फोर्ट यू विल गेट टू अ चौक वेयर यू हैव छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैचू, एंड फ्रॉम देयर यू नीड टू टेक राइट एंड देन यू नीड टू गो स्ट्रेट टिल यू कम अक्रॉस वन टेम्पल, एंड फ्रॉम देयर इट इज एविडेंट दैट यू नीड टू टेक द राइट एंड दैट वे यू कैन गेट टू दिस रोड. सो अगेन दिस इज सिंगल लेन, वन व्हीकल रोड. ऑलराइट, सो वी हैव पार्क्ड आवर सोटू हियर, एंड इन द बैकग्राउंड राइट देयर दैट माउंटेन इज द शिवनेरी फोर्ट. दिस इज काइंड ऑफ अ गुड इनफ स्पेस फॉर पार्किंग, सो लेट्स सी हाउ इट गोज. There are some houses here. And I used to be a trekker. और अभी ऐसा हालत है, इतना डिस्टेंस चढ़ने के लिए भी हालत ख़राब है. मे बी बिकॉज ऑफ दिस हैवी बैग, कैमरा गियर, मास्क और जो खाना खाया अभी, इट ऑल डिड रिजल्ट इन फटीग. और एक्चुअली फटी है मेरी, बट नाइस, ज़्यादा नहीं चढ़ान था, बहुत ही कम. सो इट टुक ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट्स विथ सच स्लो स्पीड टू बी हियर. बाप रे, ओके, सो आई एम सिटिंग हियर राइट नाउ ट्राइंग टू कैच माई ब्रेथ. सीरियसली फिटनेस लेवल बहुत डाउन हो गया है, कांट बिलीव, बट एनीवेज फीलिंग बेटर नाउ, विल ब्लॉग आफ्टर 5 मिनट्स. और मैं पानी नहीं लेके आया बंदरों के डर से, और यहाँ एक भी बंदर नहीं है, अमेजिंग. Can't believe it. Anyways, let me curse myself. I'll meet you in a while. Thank you. Okay, now everything seems to be fine. So let's vlog, and we'll start with this cave. सो बेसिकली दिस इज़ बुद्धिस्ट केव, और यहाँ पे मॉन्क आके अपना ध्यान लगाते थे, एंड यू नो द जनरल पर्पज ऑफ दिस केव्स राइट, सो आई नीड नॉट एक्सप्लेन. महाराष्ट्र में कुछ केव्स है जिनको आद्य केव्स बोलते हैं, आद्य लेनी बोलते हैं. नाउ व्हाट डज दैट मीन, के शुरुआती सालों में जब ये केव्स बनना चालू हुए थे, सो महाराष्ट्र में कुछ केव्स बहुत पहले बने थे, उसमें से एक औरंगाबाद की पिताड़खोर, आई होप आई हैव टेकन द नेम करेक्टली, पिताड़खोर केव है वो, शायद महाराष्ट्र की पहली केव है, और ये शायद टॉप 2 या टॉप 3 में आती है. और ये जुन्नर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा केव्स है इंडिया के, आई सपोज इंडिया के, नॉट ओनली महाराष्ट्र बट द एंटायर इंडिया. यहाँ पे दुनिया भर से लोग आते थे बुद्धिज़्म का उपासना करने या मॉन्क से गाइडेंस लेने.
The stupa that you are going to see now is one of a kind, because ऐसा स्तूप और स्तूपा आपको कहाँ पे भी देखने नहीं मिलेगा पूरे इंडिया में. 1, 2, 3, 6, 7, 8 अष्टकोनी, एंड दिस इज द स्तूपा इटसेल्फ. ऑफ कोर्स पीपल हैव टू डू देयर ग्राफिटी अनफॉर्चुनेटली. ये जो अष्टकोनी पिलर्स है, लेट्स काउंट. 1, 2, 7, 8, 9, 12 ओके, सो वी हैव 12 पिलर्स. एंड देन इंटरेस्टिंगली ये जो गोल घुमज दिख रहा है, इट इज़ वेरी रेयर. आई गेस इंडिया में किसी भी स्तूपा के ऊपर ऐसा गोल घुमज नहीं है, सो दैट्स वाई इट इज़ यूनिक. और इफ़ यू कैन हियर माई वॉइस इज एकोइंग. यहाँ पे कुछ YouTube पे वीडियोस हैं जहाँ पे थाईलैंड से मॉन्क आए हुए हैं एंड दे वर डूइंग सम पूजा एंड उपासना ओवर हियर, सो वो वीडियो भी इंटरेस्टिंग है. बट या दिस लुक्स अमेजिंग. अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज, नॉट श्योर इफ यू कैन सी दैट, ऐसा बोला जाता है कि दीज आर द कैनवासेस, वहाँ पे पेंटिंग की जाती थी पुरातन काल में. So that is one thing, and the avshesha are still here. दूसरा भवानी मंदिर. ओके, बट दिस इज अ ब्यूटिफुल मूर्ति ऑफ तुलजा भवानी. जय मां अंबे. एंड पीपल कम हियर आई सपोज डेली, क्योंकि दिए जल रहे हैं तो पूजा होती रहेगी यहाँ पे. जय मां अंबे. तो ये सॉर्ट ऑफ कंपार्टमेंट्स हुआ करते थे आई सपोज फॉर दी उपासना. ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग. ऑलराइट, सो दिस इज लाइक कि रूम और कंपार्टमेंट जहाँ पे मॉन्क बैठ के उपासना करते थे. मेरा वॉइस थोड़ा डल लगेगा, वेरी टायर्ड. ओके, दिस इज़ अनदर कंपार्टमेंट. और यहाँ पे हमारे पेंटर लोगों ने मस्त पेंटिंग किया हुआ है. कुछ वीडियोस है यूट्यूब पे जहाँ पे यहाँ से वाटरफॉल गिरता है और वो जो वहाँ पे टैंक बनाया हुआ है वहाँ पे पानी जमा होता है, सो दैट इट कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेस. दादा एवढंच आहेत ना केव्स, का याच्या वरती कुठे आहेत, एवढंच ना. यहाँ पे और भी अच्छे केव्स है इफ यू वॉन्ट टू विजिट, बट टूडे इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कवर ऑल दोज. तो जुन्नर डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर दी केव्स, सो आपको सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा टू कवर ऑल दोज केव्स. बट आई एम नॉट श्योर आप इतने सारे केव्स एक दिन में कर पाओगे क्या.
पानी लेके आना चाहिए था सीरियसली, बट इफ़ यू कम ड्रिंक वाटर बॉटल, मेरे जैसा गदागिरी मत करना, और बंदर वगैरह कोई भी नहीं है यहाँ पे, सो डोंट वरी इफ़ यू आर अफ्रेड लाइक मी ऑफ मंकीज, यहाँ पे नहीं है। ऑलराइट, एंड ये कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पे। केव्स इतने बड़े नहीं है बट प्राचीन है, यहाँ से कुछ इस तरह से दिखती है, और बारिश में एकदम ब्यूटीफुल रहेंगी फॉर श्योर। यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, आई गेस दिस इज़ अनदर टैंक, दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन एज वेल। दैट्स हाउ द टाइम ट्रीट्स, एवरीथिंग फेड्स राइट, बट दिस व्यू इज़ अमेजिंग। Okay, so I am getting down right now and in a much better shape. तो यहाँ पे वीडियोग्राफी बेसिकली कर लिया, फोटोग्राफी कर लिया, देन आई ट्राई टू फ्लाई द ड्रोन। तो जैसे ही ड्रोन निकाला, वन पर्सन केम टू मी एंड आस्क मी कि ये ड्रोन है, आई सेड यस, कि यहाँ पे ड्रोन अलाउड नहीं है, सो आई सेड ओके, बट ही सेड दैट ही विल बी कॉलिंग टू हिज सुपीरियर। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, दैट सुपीरियर सेड इट इज़ नॉट अलाउड। आई एम नॉट श्योर बट शायद वीडियोग्राफी इज अलाउड एवरीवेयर राइट नाउ, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट ड्रोन। एंड देन ही सेड नोस, आई सेड ओके, आई फॉलो द रूल्स, सो आई एम लीविंग। सो बेसिकली नो ड्रोन शॉट्स, अगर ड्रोन शॉट्स लेता तो ये वाला व्यू और ये केव्स का और ये पहाड़ का व्यू ज़बरदस्त आता, बट एनी वेज रूल्स आर रूल्स, यू नीड टू फॉलो द रूल्स। यहाँ पे आना अच्छा लगा, इट वाज वेरी पीसफुल, काफ़ी अच्छी जगह है। सो येस ऑफ कोर्स, आई मीन इफ़ यू लाइक द प्लेसेस दैट आर ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, देन प्रोबेबली यू शुड कम एंड विजिट दिस प्लेस, बट कम अर्ली इन द मॉर्निंग इफ पॉसिबल। धूप में डजेंट मेक सेंस राइट नाउ, हेडिंग फॉर होम, ऑलरेडी 4:30 बज चुके हैं, इट विल टेक अराउंड 5 आवर्स, और अगर सनसेट कहीं मिला तो ऑब्वियसली विल स्टॉप। सो सेइंग गुड बाय टू दिस लवली प्लेस, ऑसम, थैंक यू वेरी मच, यू विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर। चलने का समय आ गया है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो क्लिप। दिस रोड गोज टू खीरेश्वर पिंपलगांव आई सपोज, यहाँ से ही हरिहरेश्वर का ट्रैक भी स्टार्ट होता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये साइड में पूरा बैक वाटर्स है, कितना ब्यूटीफुल है। यहीं कहीं पे रुकते हैं और थोड़ा वीडियो शूट करते हैं। ओके, गाड़ी को कर दिया बंद और ये है व्यू, वाओ। कितना सही लग रहा है।